नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम एक ऐसी रोमांचकारी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको अच्छा लगेगा। कहानी का जो शीर्षक है वो है ब्रह्म प्रेत। गांव में आपने सुना होगा बरम बाबा। इस कहानी के जो लेखक हैं वह पंडित प्रभाकर पांडे जी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। काफी उमदा कहानियां लिखते हैं, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियां छापी जाती है। एक ऐसी ही इनकी रचना है ब्रह्म प्रेत। छोटे पे हम लोग गांव में तो बहुत सारी कहानियां सुने ही होंगे भूत प्रेतों के बारे में, कि फलाना पेड़ पे फलाना भूत है, कौन सा भूत अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या क्या करता है, ढेर सारी कहानियां सुने होंगे। इसी कड़ी में एक कहानी हम सुनते हैं आज, ब्रह्म प्रेत। यह कहानी एक सुनी हुई सत्य घटना पर आधारित है। यह इतनी भयावह है कि इसे सुनकर रोंगटे खड़े तो होते ही हैं, साथ ही पूरे शरीर में एक अजीब सी भयावहता रूपी झुरझुरी दौड़ने लगती है। भूत प्रेतों की लीला अपरंपार तो होती ही है, पर कुछ भूत प्रेत इंसान, सोखा पंडित आदि को भी पानी पिलाकर रख देते हैं, और कुछ तो इतनी भयानकता से पेश आते हैं कि अच्छे अच्छों की धोती भी गीली हो जाती है। इस घटना में एक ऐसे ढीठ मनबढ़ू अति भयानक ब्रह्म प्रेत के बारे में बताया गया है, जिसे अच्छे अच्छे सोखा पंडित तो दूर की बात कुछ ग्रामीण देवी देवता भी भय खाते हैं और इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। इस ब्रह्म प्रेत ने कई सोखाओं को तो सबके सामने खिसरा खिसरा कर मारा था। कितने सोखा ओझाने सोखैती ओझैती करना ही छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, जब इस भयानक प्रेत को किसी देवी या देवता के स्थान पर लेकर जाया गया तो इसने उस देवी या देवता की भी खुलकर खिल्ली उड़ाई और उन्हें चुनौती दे डाली कि पहले पहचान कि मैं कौन। कहानी आप खुद सुने, वादा है आपके रोंगटे आपके काबू से बाहर होते हुए खड़े तो होंगे ही, साथ ही आपको एक अजीब प्रेत से परिचय होगा जो सदा आपके जेहन में बने रहते हुए भूत प्रेत के एहसास को ताजा करता रहेगा। भूत प्रेतों की लीला तो अपरंपार होती ही है। कभी कभी ये बहुत ही सज्जनता से पेश आते हैं तो कभी कभी इनका उग्र रूप अच्छे अच्छों की धोती गीली कर देता है। भूत प्रेतों में बहुत कम ऐसे होते हैं जो आसानी से काबू में आ जाएं, नहीं तो अधिकतर सोखाओं पंडितों को पानी पिलाकर रख देते हैं, उनकी नानी याद आ जाती है। आज की कहानी एक ऐसे प्रेत की है जिसको कोई भी सोखा पंडित अपने काबू में नहीं कर पाए, और ना ही वह प्रेत किसी देवी देवता से ही डरता था। क्या वह प्रेत ही था या कोई और, जानने की कोशिश करते हैं। हमारी भी इस प्रेत को जानने की उत्कंठा अति तीव्र हो गई है जब मैंने पहली बार ही इसके बारे में सुना। क्या इस कहानी को सुनने के बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठेगा? इस रहस्यमय प्रेत के पहचान में कौन पर से पर्दा उठेगा? और यह पर्दा शायद वह प्रेत ही उठाएगा, क्योंकि उससे अच्छा उसको कौन समझ सकता है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए और कहानी को आगे तो बढ़ते ही दीजिए। यह कहानी हमारे गांव जवार की नहीं है, यह कहानी हमारे जिले से सटे जिले के एक गांव की है। भूत प्रेतों की तरह से इस कहानी को रसमयी न बनाते हुए मैं सीधे अपनी बात पर आता हूँ। इस गांव में एक पंडित जी हैं जो बहुत ही सुशील सभ्य और नेक इंसान हैं। यह कहानी घटित होने से पहले तक ये पंडित जी एक बड़े माने जाने ठेकेदार हुआ करते थे और ठेके के काम से अधिकतर घर से दूर ही रहा करते थे। हफ्ते या 15 दिन में इनका घर पर आना जाना होता था। ये ठीका लेकर सड़क आदि बनवाने का काम करते थे। इनके घर में सभी लोग बड़े ही सुशिक्षित सज्जन प्रकृति के थे। इनकी पत्नी तो साधु स्वभाव की थी और एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ ही बहुत धर्मनिष्ठ थी। एक बार की बात है कि पंडित जी ठीके के काम से बाहर गए हुए थे, पर 2 दिन बाद ही उनको 2 लोग उनके घर पर पहुंचाने आए। पंडित जी घर वालों को उन 2 व्यक्तियों ने बताया कि पता नहीं क्यों कल से ही पंडित जी कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं। जैसे कल रात को 7 मजदूरों ने अपने लिए खाना बनाया था और ये जिद करके उन लोगों के साथ ही खाना खाने बैठे, पर मजदूरों ने कहा कि पंडित जी पहले आप खा लें फिर हम खाएंगे। और इसके बाद जब ये खाना खाने बैठे तो 7 मजदूरों का खाना अकेले खा गए, और तो और ये खाना भी आदमी जैसा नहीं निशाचरों जैसा खा रहे थे। उसके बाद तो 2 मजदूर डर कर वहां से भाग ही गए। फिर हम लोगों को पता चला, उसके बाद हम लोग भी वहां पहुंचे और इनको किसी तरह सुलाएं, और सुबह होते ही इनको पहुंचाने के लिए निकल पड़े।
इसके बाद वे दोनों व्यक्ति चले गए और पंडित जी भी आराम से अपनी कोठरी में चले गए। कुछ देर बाद पंडित जी लुंगी लपेटे घर से बाहर आए और घर वालों के मना करने के बावजूद भी खेतों की ओर निकल गए। घर का एक व्यक्ति भी चुपके से इनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी गांव से बाहर निकले तो अपने ही आम के बगीचे में चले गए। आम के बगीचे में पहुंचकर कुछ समय तो पंडित जी टहलते रहे, पर पता नहीं अचानक से उनको क्या हुआ कि आम के नीचे झूलती हुई मोटी मोटी डालियों को ऐसे तोड़ने लगे जैसे हनुमान जी का पूरा बल उनमें आ गया हो। डालियों के टूटने की आवाज सुनकर इनके छोटे भाई दौड़कर बगीचे में पहुंचे और इनको ऐसा करने से रोकने लगे। जब इनके छोटे भाई ने बहुत ही मान मानोवल की तब पंडित जी थोड़ा शांत हुए और घर पर वापस आ गए। इस घटना के बाद तो पंडित जी के पूरे परिवार के साथ ही साथ इनका पूरा गांव भी संशय में जीने लगा। एक दिन फिर क्या हुआ कि पंडित जी अपने ही कोठरी में बैठकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे और इनकी पत्नी वहीं बैठकर रामायण पढ़ रही थी। तभी इनकी पत्नी क्या देखती है कि पंडित जी का शरीर फूलता ही जा रहा है और चेहरा भी क्रोध से लाल होता जा रहा है। अभी पंडित जी की पत्नी कुछ समझती तब तक पंडित जी अपने ही बेटे का सिर अपने मुंह में लेकर ऐसा लग रहे थे जैसे चबा जाएंगे, पर इनकी पत्नी डरी नहीं और सभ्य भाषा में बच्चे को छोड़ने की विनती की। अचानक पंडित जी बच्चे का सिर मुंह से निकालकर शांत होने लगे और रोते बच्चे का सिर सहलाने लगे। इस घटना के बाद तो पंडित जी के घर वालों की चैन और नींद ही हराम हो गई। वे लोग पूजा पाठ करवाने के साथ ही साथ कई सारे डॉक्टरों से संपर्क भी किए, यहाँ तक कि उन्हें कई बड़े बड़े अस्पतालों में भी दिखाया गया, पर डॉक्टरों की कोई भी दवा काम नहीं की। और इधर एक दो दिन पर पंडित जी कोई न कोई भयानक कार्य करके सबको सख्ते में ला देते रहे। डॉक्टरों से दिखाने का सिलसिला लगभग 2 महीने तक चलता रहा, पर पंडित जी की हालत में सुधार नाम मात्र भी नहीं हुआ। हाँ, पर अब सबके समझ में एक बात आ गई है और वह यह है कि जब भी पंडित जी की शरीर फूलने लगती थी और उनका चेहरा तमतमाने लगता था तो घर वाले उनकी पत्नी को बुला लाते थे और पंडित जी अपनी पत्नी को देखते ही शांत हो जाते थे। एक दिन पंडित जी की पत्नी पूजा कर रही थी, तभी पंडित जी वहाँ आ गए और अपनी पत्नी से हंसकर पूछे कि तुम पूजा क्यों कर रही हो। पंडित जी की पत्नी ने कहा, आप अच्छा हो जाएं इसलिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ठहाका मारकर हंसने लगे और हंसते हंसते अचानक बोल पड़े कि कितना भी पूजा पाठ कर लो पर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इसे इस लोक से भेजने के बाद ही। पंडित जी की यह बात सुनकर पंडित जी की पत्नी शहमी तो जरूर, पर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है। इस पर पंडित जी ने कहा कि मैं कौन हूँ यह मैं नहीं जानता और इसने मेरा क्या बिगाड़ा है यह भी मैं नहीं बताऊंगा। पंडित जी की पत्नी ने जब यह बात अपने घर वालों को बताई तो पंडित जी के घर वालों ने उस जवार में जितने सोखा ओझा पंडित हैं सबसे संपर्क करना शुरू कर दिया। पहले तो कुछ सोखा पंडितों ने झाड़ फूंक दिया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन पंडित जी के घर वालों ने पंडित जी को लेकर पंडित जी के क्षेत्र के एक नामी सोखा के पास पहुंचे। सोखा बाबा कुछ मंत्र बुदबुदाएं और पंडित जी की ओर देखते हुए बोले कि तुम चाहे जो कोई भी हो तुम्हें इन्हें छोड़कर जाना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। जब सोखा बाबा ने भस्म करने की बात कही तो पंडित जी का चेहरा तमतमा उठा और वे वहीं पर उस सोखा को कपड़े की तरह पटक पटक कर मारने लगे। सोखा की सारी शेखी रफू चक्कर हो गई और वह गिड़गिड़ाने लगा। फिर पंडित जी की पत्नी ने बीच बचाव किया और सोखा की जान बचा दी। पंडित जी द्वारा सोखा की पिटाई की खबर आग की तरह पूरे जवार क्या कई जिलों में फैल गई। अब तो कोई सोखा या पंडित उस पंडित जी से मिलना तो दूर, उनका नाम सुनकर ही कांपने लगता था। इसी दौरान पंडित जी को एक देवी माँ के स्थान पर पहुंचाया गया। देवी माँ जिस महिला के ऊपर वास करती थी उस महिला ने देवी वास के समय साफ मना कर दिया कि वे ऐसे दुष्ट और असभ्य व्यक्ति के मुंह नहीं लगना चाहती। पंडित जी उस स्थान पर पहुंचकर मुस्कुरा रहे थे और अपनी पत्नी से बोले कि जो देवी मेरे सामने आने से घबरा रही है वो मुझे क्या भगाएगी। देवी माँ ने पंडित जी के घर वालों से कहा, यह कौन है यह भी पहचानना मुश्किल है,
आप लोग इसे लेकर बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाइए, हो सकता है कि यह पंडित जी को छोड़ दे। इसके बाद पंडित जी के घर वाले पंडित जी को लेकर बहुत सारे तीर्थ स्थानों जैसे मैहर, विंध्याचल, काशी, थावे, कुछ नामी मजार आदि पर लेकर गए, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब पंडित जी अपने घर वालों के साथ इन तीर्थों पर आसानी से जाते रहे और घूमते रहे। अधिकतर तीर्थ स्थान घूमने के बाद भी जब वह प्रेत पंडित जी को नहीं छोड़ा तो पंडित जी के घर वाले घर पर ही प्रतिदिन विधिवत पूजा पाठ कराने लगे। पंडित जी की पत्नी प्रतिदिन उपवास रखकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगी। एक दिन पंडित जी अपने घर वालों को अपने पास बुलाए और बोले कि आप सभी लोग खेतों में जाकर कम से कम एक एक पीपल का पेड़ लगा दीजिए। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी कि अगर आपकी यही इच्छा है तो एक एक क्या हम लोग 11-11 पीपल के पेड़ लगाएंगे। इसके साथ पंडित जी के घर वाले पंडित जी को साथ लेकर के उसी दिन खेतों में गए और इधर उधर से खोज खाज कर एक एक पीपल का पेड़ लगाए और पंडित जी से बोले कि हम लोग बराबर पीपल का पेड़ लगाते रहेंगे। इस घटना के बाद पंडित जी थोड़ा शांत रहने लगे। अब वे अपने घर का छोटा मोटा काम भी करने लगे थे। एक दिन पंडित जी के बड़े भाई घर के दरवाजे पर लकड़ी फाड़ रहे थे। पंडित जी वहां पहुंचकर टांगी अपने हाथ में ले लिए और देखते ही देखते लकड़ी की 3 मोटी सिल्लियों को फाड़ दिए। शायद 3 सिल्लियों को फाड़ने में उनके भाई को महीनों लगते हैं। एक दिन लगभग सुबह के 4 बजे होंगे कि पंडित जी अपनी पत्नी को जगाया और बोल पड़े मैं जा रहा हूँ। पंडित जी की पत्नी बोली अभी तो रात है और इस रात आप कहाँ जा रहे हैं। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर पंडित जी हंसे और बोले मैं जा रहा हूँ और वह भी अकेला तेरे सुहाग को तेरे पास छोड़कर। अब मैं तेरे पति को और तुम लोगों को कभी तंग नहीं करूँगा। तू जल्दी से अपने पूरे घर वालों को जगाओ ताकि जाने से पहले मैं उन सबसे भी मिल लूँ। पंडित जी के इतना कहते ही पंडित जी की पत्नी के आंखों से झरझर आंसू झरने लगे और वे पंडित जी का पैर पकड़कर खूब तेज रोने लगे। अब तो पंडित जी के पत्नी के रोने की आवाज सुनकर घर के लोग ऐसे ही भयभीत हो गए और दौड़ भागकर पंडित जी के कमरे में पहुंचे। अरे यह क्या, पंडित जी के कमरे का माहौल तो एकदम अच्छा था क्योंकि पंडित जी तो मुस्कुरा रहे थे। घर वालों ने पंडित जी की पत्नी को चुप कराया और रोने का कारण पूछा। पंडित जी की पत्नी के बोलने से पहले ही पंडित जी स्वयं बोल पड़े कि अब मैं सदा सदा के लिए आपके घर के इस सदस्य मतलब पंडित जी को छोड़कर जा रहा हूँ। अब आप लोगों को कष्ट देने कभी नहीं आऊंगा। पंडित जी के इतना कहते ही पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी आप जो भी हो मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं और मेरे पति को क्यों पकड़ रखे थे। इतना सुनते ही पंडित जी बहुत जोर से हंसे और बोले मैं ब्रह्म प्रेत हूँ, ब्रह्म पिशाच, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तेरे पति ने उसी पीपल के पेड़ को कटवा दिया था जिस पर मैं हजारों वर्षों से रहा करता था। इसने मेरा घर ही उजाड़ दिया था इसलिए मैंने भी इसको बर्बाद करने की ठान ली, पर तुम लोगों की अच्छाई ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। इस घटना के बाद से वे ब्रह्म प्रेत महाराज जी उस पंडित जी को छोड़कर सदा सदा के लिए जा चुके हैं, पर ब्रह्म प्रेत महाराज के जाने के बाद भी अगर कुछ बचा है तो उनकी यादें और विशेषकर उन सुखों के जेहन में जिनका पाला इन ब्रह्म प्रेत जी से पड़ा था और जिसके चलते इन सुखों ने अपनी सुखागिरी छोड़ दी थी। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से एक निवेदन करता हूँ, लेखक का भी यही निवेदन है, प्रेत बनकर नहीं आदमी बनकर एक तो पेड़ काटे ही नहीं, अगर मजबूरी में काटना भी पड़ जाए तो एक के बदले 2 लगा दीजिए ताकि मेरा घर बचा रहे, आप लोगों का भी, क्योंकि अगर ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो एक दिन प्रकृति असंतुलित हो जाएगी और शायद न आप बचेंगे न आपका घर। खैर मैं तो चला, बोलिए बजरंग बली की जय। एक पेड़ 100 पुत्र समाना, एक तो काटना नहीं और अगर काटना ही हो तो उससे पहले 10-20 लगाना। जय श्री राम।